का दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोग फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइज़ आप लोग तो पता है कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था ज्योति श्री महातो के ऊपर में, और गाइज़ वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो ही रहे थे। और वो गाइज़ वीडियो अभी YouTube पे नहीं है, वीडियो अभी टेक डाउन कर दिया गया है, वीडियो अभी YouTube पे आप लोग देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो कैसे हटा वो सारा कुछ आप मैं इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ। आप लोग तो पता है कि उनका एक फ़ोटो लीक हुआ है सोशल मीडिया पे, और वही वीडियो उसी फोटो के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया था, और वो वीडियो सबसे फर्स्ट मेरा ही यूट्यूब का था वीडियो, और वो वीडियो वायरल होना चालू हो गया था। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं यार, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना मुझे कि आप ऐसे ऐसे कमेंट करो, किसी को ऐसा हट कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो, आप व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हो, सब्सक्राइबर के लिए ऐसा कर रहे हो, जितने भी उनके फैंस हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, और उनके फैंस, खासकर उनके फैंस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ गलत काम करके मैं व्यूज सब्सक्राइबर लेने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पता है कि उनका एक शादी किया हुआ फोटो वायरल हो रहा था, कौन है क्या है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो वहां पे मुझे लगा कि नहीं, इनका शादी हो चुका है, तो अब उन्होंने अपने फैंस को बोला नहीं शादी कर लिया। अब मुझे लगा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। आप लोग उस वीडियो को भी पूरा देखे नहीं हो, आधा वीडियो देख के डायरेक्टली पहुंच जाते हो या कमेंट सेक्शन में और गाली गुलज देना स्टार्ट कर देते हो। ये सब करना आप लोग पूरे वीडियोस को यार पूरा देखा करो, वीडियो को देखते नहीं और गाली गुलज देना चालू कर देते हो। मुझे लगा कि उन्होंने शादी कर लिया, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, तो मैंने वीडियो बना दिया। अब उन्होंने क्या किया कि आज एक वीडियो उन्होंने अपलोड कर रहा अपने चैनल पर रोते हुए, और उन्होंने ये कह रहा है कि डायरेक्ट लीक कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा। ये फोटो उस चीज़ का नहीं था कि मेरा शादी हो गया, मेरा ये है वो है, बहुत सारे लोग वीडियोस बना दे रहे हैं। और ज्योति ने मेरे वीडियोस को देखा है, उनके बाद ही उन्होंने वीडियोस बनाया, और उन्होंने डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही कहा है कि बहुत कोई लोग बोल रहे हैं कि मेरा शादी हो गया, भाग के शादी किया, ये किया वो किया, तो इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने मेरे वीडियोज़ को देखा है सबसे पहले, और उसके बाद ही उन्होंने वीडियो बनाना चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि मैं इनके वीडियोज़ को टेक डाउन नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ा चीज़ कि मेरे वीडियोज़ पर कोई भी स्ट्राइक नहीं आया है, मैं खुद उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया हूँ आप लोगों की वजह से और ज्योति की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार किसी को बदनाम करके लेना और व्यूज लेना। और आप लोग पता है कि उनके साथ बहुत ही अच्छा मेरा कॉलेब है, और मैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा फोटो भी खिंचवाया हूँ उससे, और मिला भी हूँ, कॉलेब भी किया हूँ, बहुत सारे वीडियोस भी बनाया हूँ, बहुत सारे फ्रेंड की तरह है मेरा। तो मैं नहीं चाहता यार किसी को बदनाम करके मैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर लूँ। तो यार सबसे पहले बड़ा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, मेहनत सब कोई करता, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग पता है यार सपोर्ट की सबको जरूरत है, यार सपोर्ट करो यार, कब सपोर्ट करोगे आप लोग, सपोर्ट की सबकी ज़रूरत है। आज ज्योति अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी अगर सपोर्ट कर पाओगे तो कर देना, और नहीं अगर कर पाओगे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आपको, आपकी मर्ज़ी। तो यार आप जो सोच रहे हो कि अगर आप ज्योति ने आपके वीडियोस देखा तो आपको वो गलत साबित कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति को मैंने फिर कमेंट भी किया, उनके कमेंट सेक्शन पे आप लोग देख सकते हो, उन्होंने फिर मुझे हार्ड भी दिया, और उन्हें उससे कुछ को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ चलो यार आप वीडियो डिलीट कर दिए हो। अब सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा ज्योति को कि आपका वीडियो अब वायरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो वायरल हो रहा था वो मेरा ही हो रहा था। वीडियो जैसे वायरल हो रहा था मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया आपकी वजह से, और वो जो भी अभी बंदे वीडियोस बना रहे हैं आपके ऊपर तो वो वीडियो वायरल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 व्यूज़ जा रहे हैं, उससे ज़्यादा आपकी वीडियोस पे व्यूज़ मतलब उनके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जाएंगे, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और आपके ज़्यादा आपके फोटोज़ वायरल नहीं होंगे। तो बड़ा चीज़ मैं यही बोलूँगा यार, सपोर्ट की सबको ज़रूरत है यार, सपोर्ट कर देना, अगर नहीं करना है तो मत करना। तो यही कुछ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा यार, ऐसा कुछ नहीं है गलत कि मैं गलत करके मैं व्यूज सब्सक्राइबर ले रहा हूँ और आप लोग गलत साबित कर दे रहे हो यार मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं यार आगे कि क्या मतलब, बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि गाइस आप वो एक लड़की को बदनाम कर रहे हो व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए। तो यार मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए मैं किसी लड़की को बदनाम नहीं करूँगा। और सबसे बड़ा चीज़ अगर आप लोग अगर ख़राब लगा तो यार दिल से सॉरी, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता हूँ, और इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि किसी को हर्ट करना और किसी को मतलब ब्लैकमेल करना। मैंने गाइस सोचा था कुछ और हो गया, कुछ और गाइस यहाँ पे यूट्यूब पे, तो यार वीडियो तो मैं हटा चुका हूँ यूट्यूब से, और ज़्यादा वीडियो वायरल भी नहीं हुआ है। तो यार आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहो तो यार मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो आई होप ये गाइस छोटा सा वीडियो में छोटा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ये छोटा सा न्यूज़ कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।